Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma welcoming you all on Mindful Journey. Today I am doing a tarot reading for a twin flame energy check-in. मुझे कल से ही ऐसा फील हो रहा है कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कुछ एनर्जीज चेंज हुई हैं. मतलब मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है तो कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो अपने एंट्रैपमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और निकली है, और फीमेल जो है वो और स्ट्रेंथन हुई हैं मेंटली फिजिकली, और दोनों ही अपनी अपनी जर्नी पर ज़्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं. ऐसा मुझे कुछ एनर्जी चेक इन में करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको एनर्जी रीड लेकर देखती हूँ. तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है. क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, इसके डिवाइन फेमिनिन के लगातार अपने इनर वर्क करने से और अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो इस कम्युनिटी में या फिर इस डायनेमिक में आ रहे हैं सामने, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि फेमिनिन जो भी वर्क अपने ऊपर करती है वो उसका असर मैस्कुलिन पे होता है. तो अगर फेमिनिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स कुछ ऐसा एनर्जी वर्क कर रही हैं अपने ऊपर, तो ज़रूर से उनको ऐसा फील हुआ होगा कि उनके मैस्कुलिन, मतलब उनकी जो इनर मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें भी उनको बैलेंस मिल रहा होगा. ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा. डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा एक्टिवेट, मतलब एनर्जी और एक्टिव फील कर रही होंगी और हैप्पी फील कर रही होंगी, काम कंटेंटेड फील कर रही होंगी, और लाइक ज़्यादा वर्क कर रही होंगी अपनी अपनी उनकी वर्किंग कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ा होगा. जब ज़्यादा अच्छे से वर्क, होम और रिलेशनशिप्स को हैंडल कर पा रही होंगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है. और डायनेमिक में भी फर्क पड़ा है, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी थी ना, जो 10 of swords और 3 of swords, 5 of cups, 4 of cups एनर्जी में डील करी थी लास्ट कुछ मंथ से, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया है. तो लेट्स चेक, देखते हैं. ये ओशो जैन टैरो है, मैं इसको पहले कट कर देती हूँ. बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं सबसे पहले. यस सी, दिस इज द लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, कंट्रोल एनर्जी. मतलब हर दोनों ने, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ने अपनी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है. यही एनर्जी है जो इनको इतने दिन जो ये फील हो रहा था ना, मोस्टली मैस्कुलिन को जो विक्टिम मेंटालिटी और विक्टिम एनर्जी फील हो रही थी, जैसे मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ में कुछ रॉन्ग हैपनिंग्स हुई हैं एंड जो कुछ हुआ है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं. लेकिन अब मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अपना लाइफ का कंट्रोल, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आती है. तो चलिए मैं इसको ऐसा कर देती हूँ कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को हम अलग अलग रीड करेंगे. ये मैस्कुलिन का एनर्जी ले लेते हैं और ये हम फेमिनिन एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है. ये 3 cards फॉर मैस्कुलिन एनर्जी एंड 3 cards फॉर फेमिनिन एनर्जी. लेट्स चेक इट. बिल्कुल, देखिए जो ही बात मैंने अभी बोली है वो निकल के आ गया है. ये तो है फर्स्ट शुरुआती एनर्जी, यानी इस नई साइकिल के शुरू होने से पहले वाली एनर्जी, एग्जॉस्टेशन, मतलब 9 of wands वाली एनर्जी, वही वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी. और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ स्थितियों से लड़ लड़ के, परिस्थितियों से लड़ लड़ के. ये जो मेंटल कंडीशन थी प्रीवियसली मैस्कुलिन की, इसके बाद में ब्रेक थ्रू.
मतलब समथिंग हैज हैपेंड इन दी लाइफ ऑफ मैस्कुलिन जिससे उसको या तो कोई रियलाइजेशन हुआ है या कोई ऐसी सडन नॉलेज हुई है, ऐसा कुछ सडन उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है. एंड दिस इज अ मेजर आर्कना कार्ड ऑल्सो. तो ये जो ब्रेक थ्रू है ना, ये डिवाइन की तरफ से आया है. ये टावर मोमेंट टाइप का कुछ है या ये इसके खुद के ऊपर इसका वर्क करना से या ऐसा कुछ एनर्जी हीलिंग हुई है इस मैस्कुलिन की जिससे इसको कोई सडन ब्रेक थ्रू हुआ है, मतलब कोई ऐसी सडन अवेकनिंग हुई है. और इसी अवेकनिंग की वजह से इस मैस्कुलिन, इस जो कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन का रीबर्थ माने एक न्यू एनर्जी फील कर रहा है ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है, ये न्यू एनर्जी फील कर रहे हैं. और ये विक्टिम मेंटालिटी से निकल कर करेजियस मोड में, माने एक्टिव एनर्जेटिक मोड में ये फेमिनिन, सॉरी जो मैस्कुलिन एनर्जी वो कन्वर्ट हुई है, ऐसा बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आ गया है. देखते हैं. तो ये मतलब जो मेरा इंट्यूशन था वो बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर. ओके ये भी वही बिल्कुल ठीक जो अभी अपन ने बात करी थी कि फेमिनिन जो है ना वो अपने ऊपर वर्क कर रही है. फेमिनिन ने मेहनत करके फल लगाए हैं, मतलब फेमिनिन का जो फेमिनिन ने अपने ऊपर जो इनर वर्क किया उसके ये फ्रूट्स हैं. ये जो एनर्जी में चेंज आया है ना, ये जो एनर्जी में चेंज आया ये इस फेमिनिन की इनर वर्क और इस फेमिनिन की जो एनर्जीज ने, इसने अपनी एनर्जीज पे जो काम किया है उसके फ्रूट्स यानी उसका रिजल्ट, उसका गुड रिजल्ट फेमिनिन को तो मिला ही है, लेकिन इस डायनेमिक में इसका जो फायदा है ये मैस्कुलिन को भी मिला है. ठीक है. और फेमिनिन इज द मास्टर नाउ. फेमिनिन इज द मास्टर ऑफ हर इमोशंस. फेमिनिन इज द मास्टर ऑफ एनर्जीज. फेमिनिन नोज हाउ टू बैलेंस हर एनर्जीज. फेमिनिन नोज हाउ टू चेक, आई मीन हाउ टू कंट्रोल हर इमोशंस एंड हाउ टू बिहेव इन अ बैलेंस्ड वे. तो फेमिनिन इज लाइक अ मास्टर हियर. मास्टर ऑफ व्हाट? मास्टर ऑफ एनर्जीज. और क्योंकि इसने अपनी मास्टरी कर ली है और इसीलिए इसकी वजह से फेमिनिन को भी इस एनर्जी वर्क के गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो मैस्कुलिन पर भी आ रहा है. दिस इज लाइक नाइट ऑफ वॉन्ट्स काइंड ऑफ एनर्जी. नाइट ऑफ वॉन्ट्स काइंड ऑफ एनर्जी मीन्स फास्ट. ये जो वॉन्ट्स एनर्जी जो मैंने आपको पहले बताया था ना, जो मैस्कुलिन की जो प्रवृत्ति है इन एंड आउट करना और प्लेफुलनेस की एनर्जी और रश इन रश आउट, मतलब स्टेबल नहीं रहना, इस तरह की जो एनर्जी है ना इसके ऊपर फेमिनिन के वर्क का फर्क पड़ा है. मतलब अब जो मैस्कुलिन है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस्ड है अपने वर्क के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. ये जो एनर्जी है इसकी, इसमें इंटेंसिटी तो बहुत है इस एनर्जी में. रेड मीन्स इंटेंस पैशनेट एनर्जी. इंटेंसिटी भी लिखा है, इंटेंस पैशनेट एनर्जी. ये जो मैस्कुलिन की पहले जो इंटेंस पैशनेट एनर्जी थी वो कहीं रॉन्ग जगह पर इंगेज थी, लेकिन फेमिनिन के कंटिन्यूस खुद पर वर्क करने से, और शायद हो सकता है कि मैस्कुलिन भी खुद पर वर्क कर रहा हो, तो उसकी वजह से अभी आप जैसे एरो का निशान बनना है, तो ये जो एनर्जी है ना ये सही डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ट हुई है. लास्ट वीक में या तो मैस्कुलिन ने बहुत वर्क पर कंसंट्रेट किया है या अपने लाइफ गोल, अपने लाइफ एम को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करी है, और इसलिए उसकी जो लाइफ है वो एक राइट डायरेक्शन पर ट्रैक पर आई है. और फेमिनिन की भी, ये फेमिनिन के लिए भी है. फेमिनिन का जो एनर्जी थी ना वो पहले काफ़ी ऐसा था कि जैसे कुछ दिन अपने ऊपर वर्क किया, कुछ दिन इनर वर्क किया और फिर वापस से जैसे इम्बैलेंस में आ गई, वापस से अपने पास्ट के ऊपर रिग्रेट करना, पास्ट सैड एनर्जीज में जाना, उस तरह की फेमिनिन का भी रश इन रश आउट, मतलब कुछ समय बैलेंस में जा रहा और कुछ वापस इम्बैलेंस में जा रहा, इस तरह की जो फेमिनिन की एनर्जी थी वो भी क्योंकि इसने सेल्फ मास्टरी करी है, इस पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन ग्रुप ने अपने इमोशंस पर और एनर्जीज पर मास्टरी करना सीख लिया, इसलिए अब ये जो एनर्जी थी ना पहले वाली वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, उसकी सोल ग्रोथ की डायरेक्शन में ये जा रही है, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं. मतलब ये बहुत अच्छी एनर्जीज है, नॉट फॉर ओनली फेमिनिन बट ऑल्सो फॉर मैस्कुलिन. मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही अपने अपने लाइफ पार्ट पर बहुत ही फोकस्ड
और कंसंट्रेट कर चुके हैं अब, ये कार्ड्स बता रहे हैं। देखते हैं कि और इन्हीं कार्ड्स पर थोड़े और क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि मैस्कुलिन ने किस तरह का वर्क किया है खुद पर, या मैस्कुलिन को किस तरह के ब्रेक थ्रोज हुए हैं, और इस रीबर्थ के बाद में मैस्कुलिन किस तरह की एनर्जीज फील कर रहा है, और फेमिनिन ने किस तरह की मास्टरी की है, फेमिनिन किस डायरेक्शन में जा रही है, और फेमिनिन के डिटरमाइंड वर्क का आगे फर्दर क्या इफेक्ट आने वाला है। लेट्स चेक बॉटम ऑफ द डेक। ओ यस, सी दिस इज द वर्क कार्ड, दिस इज हार्ड वर्क कार्ड, एट ऑफ पेनिकल्स। यही तो मैंने अभी आपको बोला है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन ने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है, या तो क्योंकि मैस्कुलिन तो मोस्टली अभी अवेयर नहीं है, और मोस्टली जो मैस्कुलिन है वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर तो नहीं गए, पर ये अपनी फिजिकल लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ये मैस्कुलिन मटेरियल सक्सेस के लिए और अपनी फिजिकल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। कुछ भी हो, ये मैस्कुलिन अपने वर्क पर, हार्ड वर्क पर कंसंट्रेट कर रहा है, और फेमिनिन जो है ना यही वर्क खुद पर कर रही है, फेमिनिन यही एनर्जी वर्क खुद पर कर रही है, दोनों ही, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब ये कॉमन एनर्जीज है, कनेक्शन एनर्जीज है। इस वक्त फिलहाल इस ट्विन फिल्म कम्युनिटी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही अपने अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं। दिस इज द कार्ड। Now let's check more. Yes, chariot card again, the पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इस मैस्कुलिन ने जो स्टक था इतने दिन, जो मेंटली स्टक, पहले के मैस्कुलिन के कार्ड जैसे आ रहे थे ना, एट ऑफ सॉर्ड्स और लाइक फोर ऑफ कप्स, उस तरह के जो मिस अपॉर्चुनिटी और डिसअपॉइंटमेंट और एंट्रैप्ड लाइक वाले जो कार्ड्स थे, दे वो जो है बिल्कुल रिप्लेस हो गए। अब यहाँ आ रही है द चैरियट एनर्जी, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये मैस्कुलिन अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके, क्योंकि कंट्रोल कार्ड हमारे पास पहले भी आया था, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर, और ये पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और अपनी लाइफ में जो भी इसकी लाइफ का एम है, उस एम को पाने के लिए ये मैस्कुलिन जो है ना मेहनत कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और इसकी अननोइंगली, अगर इसको नहीं भी पता है ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, क्योंकि चैरियट कार्ड को मैं एज ए ट्विन फ्लेम कार्ड देखती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इस तरह का ये कार्ड है, मतलब मेरी नज़र में ये एक ट्विन फ्लेम कार्ड है। तो क्योंकि ये मैस्कुलिन साइड पर आया है, तो मतलब या तो मैस्कुलिन अब तो अवेक है, या तो मैस्कुलिन को थोड़ा नॉलेज है, या थोड़ी वो अवेकनिंग हो चुकी है कि वो कुछ तो ऐसा है कि वो इस तरह की किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर। अगर नहीं भी है ना, अननोइंगली भी अगर ये मैस्कुलिन, लेकिन ये बढ़ रहा है इसी दिशा में, मतलब अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, अपने लोअर चक्रास यानी सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को ये बैलेंस करना, और ये मैस्कुलिन पूरे कंट्रोल के साथ आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और भले इसको पता हो या ना पता हो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर जा रहा है, पर ये जा रहा है सही डायरेक्शन में। और ये है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये कार्ड जो लास्ट टाइम आया था, एक्चुअली ये जो मैस्कुलिन है ना, ये जान चुका है अभी इस चीज को कि इसकी जो फेमिनिन है ना, वो अब उसके साथ में लड़ने झगड़ने वाले मोड में वापस दोबारा से नहीं आने वाली है, और यही चॉइस इसने भी करी है, मतलब इस ये मैस्कुलिन ने भी, द लवर्स कार्ड इज फॉर द चॉइस कार्ड, तो इस मैस्कुलिन ने भी अब ये चूज किया है, इस मैस्कुलिन ने भी चूज किया है कि ये भी इस कॉन्फ्लिक्ट से, और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शाता है ये कार्ड। तो अपनी फेमिनिन के साथ तो खैर इसका कॉन्फ्लिक्ट काफी दिनों से खत्म हो चुका है, क्योंकि फेमिनिन तो ऑलरेडी इससे उसकी लाइफ में से जा चुकी है, लेकिन ये मैस्कुलिन जो था ना, ये भी अब इसने चूज किया अपनी लाइफ के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, सेल्फ बेटरमेंट के लिए, कि वो भी इस तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाएगा। फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से ये बहुत दिन पहले निकल चुका है, क्योंकि फेमिनिन इज नॉट देयर
टू फाइट, लेकिन ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था ना, इससे भी अब ये निकल रहा है बाहर। और यहाँ पर देखिए, इसकी एक हाथ में टू ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये इसकी पुरानी एनर्जी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक नॉन डिसीजन स्टेलमेट कंडीशन, यानी आगे ना बढ़ना, मूवमेंट ना करना। तो चैरियट कार्ड के साथ ही ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी ना, ये अब डिसॉल्व हो रही है। और ये इस हाथ में बता रहा है, मतलब दिस इज कॉल्ड इज द पेज ऑफ स्वॉर्ड भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह सकते हैं। दिस इज लाइक क्लैरिटी, दिस इज तो ये मैस्कुलिन धीरे धीरे, नॉट एब्रप्टली, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्टेलमेट कंडीशन से निकल के और क्लियरली अपने लाइफ पाथ पर, ये चैरियट माने लाइफ पाथ पर ये आगे बढ़ रहा है, ये चूज इसने किया है मैस्कुलिन ने। अब ये जो मैस्कुलिन है ना, ये चॉइस कर चुका है कि कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर निकलना है और स्टेलमेट कंडीशन में से बाहर निकलना, क्लियरली अपने और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जाना, ये चूज ये डिवाइन मैस्कुलिन कर चुका है। और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन जो कि अपने मैस्कुलिन को इस एनर्जी के लिए जानती है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी के लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि जिसको बोलते हैं डिसेप्शन एनर्जी, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी, और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, उस तरह की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी में से फेमिनिन ने अपने आप को बहुत तो पहले ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ जाने की वजह से पहले ही इस तरह की एनर्जी को कट ऑफ कर दिया है। और अभी रिसेंटली ज़रूर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इस फेमिनिन ने और पॉजिटिव एक्शन लिया, और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं इस तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ में से कम्प्लीटली कट आउट करने के लिए। मतलब नॉट ओनली हिज हर मैस्कुलिन, अगर और भी कोई व्यक्ति इस तरह का नेगेटिव बिहेवियर इस फेमिनिन के लाइफ में दिखा रहा है, तो फेमिनिन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। मतलब इस फेमिनिन ने अपनी लाइफ में से सभी डिसेप्टिव एनर्जीज को क्लियर आउट किया है। और अभी रिसेंटली जब ये अभी एनर्जी चेक इन हम कर रहे हैं, तब ये काम इसने और भी मतलब क्लैरिटी के साथ किया है। एंड दिस इज लाइक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये वही चीज दिखा रहा है कि इस फेमिनिन ने अपनी स्वॉर्ड से ऐसे लोगों को कट आउट किया है, अपनी लाइफ में से ऐसे लोगों को कट आउट किया है जो इस तरह के डिसेप्टिव एनर्जी मोड में है, चाहे वो कहीं भी हो। और पेज ऑफ स्वॉर्ड जो होता है ना, ये स्टॉकिंग का भी कार्ड है। मतलब फेमिनिन ने अपने सोशल मीडिया पर से या वहां से भी ऐसे लोगों को हटाया है जो स्टॉकिंग मोड में से, मतलब जो अननेसेसरी एनर्जीज को इस फेमिनिन ने अपनी लाइफ में से कट आउट किया है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है। चलिए हम फ्यूचर एनर्जीज की तरफ चलते हैं। या फ्यूचर एनर्जीज पे जाने से पहले मैं कनेक्शन एनर्जी देखना चाहूंगी। प्रेजेंटली द पोजिशन कंडीशन ऑफ द कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये सेम ही एनर्जी है। दिस इज एडवेंचर कार्ड। एडवेंचर इज लाइक because this is the connection energy, both the masculine and feminine are going towards their own happiness, they are moving towards their own happiness, they are building their own life and going towards their own positive movements forward. This is the queen of wands kind of card, वही card, same card जो अभी आया था queen of wands card, ये same चीज है। This divine feminine has, ये है कार्ड डिसेप्शन का, और लाइक जिसको बोलते हैं ना, कोई साजिश करने वाले लोग होते हैं या आपके अगेंस्ट जाने वाले लोग होते हैं, या जो आपको सामने से अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे से वो आपको डिसीव कर सकते हैं, इस तरह के लोगों को डिवाइन फेमिनिन ने अपनी लाइफ से आउट किया। और आई थिंक क्योंकि ये कनेक्शन कार्ड है, तो डिवाइन मैस्कुलिन ने भी अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीटिंग डिसाइसिव जो लोग हैं ना, डिसीटफुल जो लोग हैं, उनको अपनी लाइफ से कट आउट किया है। और इनको कट आउट करने के बाद क्योंकि ये बर्डन फ्री फील कर रहे हैं, तो ये लाइक अ चाइल्ड, बर्डन फ्री लाइक अ चाइल्ड,
तो ये इन्होंने अपनी लाइफ से बर्डन को फ्री किया है और अभी ये इनका पूरा जो ध्यान है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ है। ये वैसा ही कलर्स है जैसे उस टाइम वो पेज ऑफ इस तरह के मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है ना यही कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। तो नॉट ओनली फेमिनिन बट द मैस्कुलिन इज ऑल्सो चेजिंग हिज ओन हैप्पीनेस एंड दे हैव रिमूव्ड दिस काइंड ऑफ नॉन ऑनेस्ट अनऑनेस्ट पीपल फ्रॉम देयर लाइफ्स एंड दे आर इन देयर ओन एनर्जीज। दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर मूविंग पैशनेटली एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ्स एंड दे आर फीलिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड राइट नाउ इन दिस मोमेंट। अब थोड़ा फ्यूचर एनर्जीज को देख लेते हैं। फ्यूचर एनर्जीज फॉर मैस्कुलिन, फ्यूचर एनर्जीज फॉर फेमिनिन। फ्यूचर मीन्स नियर फ्यूचर, नॉट फार फ्यूचर, इट्स अ नियर फ्यूचर। ये वही कार्ड है कंट्रोल कार्ड। लेट्स चेक। Future energies are also positive for masculine. See, they, as the previous condition, this masculine has dropped the burden. इस masculine ने अपनी life के जो burden, burdensome situations है, burdensome people थे, उनको अपनी life से cut off किया है। और ये previous जो exhaustion card आया था, ये वाला card, ये कार्ड है, ये स्थिति, ये जो पोजीशन है ना, यही ये पोजीशन है। तो इस डिवाइन मैस्कुलिन ने फ्यूचर में भी यही डिसाइड करेगा कि ये अब बर्डन नहीं रहेगा, बल्कि ये किसी सही गाइडेंस को फॉलो करेगा। ये बता रहा है कि या तो इस मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन किसी पर्टिकुलर गुड गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, या डिवाइन की उसको गाइडेंस मिल रही है, या उसकी अपनी खुद की इनर गाइडेंस भी हो सकती है जो इसको इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर निकालने का हेल्पफुल काम कर रही है। तो ये फ्यूचर में भी ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड जारी रहेगा, मतलब ये मैस्कुलिन अपने बर्डनसम पीपल और बर्डनसम सिचुएशन से बाहर निकल के पॉजिटिवली और राइट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये कार्ड भी वही बता रहा है, जैसे दिस मैस्कुलिन इज मोस्ट प्रोबेबली अलोन इन दिस टाइम, अलोन इन द सेंस कि ही हैज पीपल, ही हैज फैमिली, लेकिन उसने मेंटली ही इज अलोन, लाइक उस हर्मिट मोड जिसको बोलते हैं ना जैसे। तो ये मैस्कुलिन अपने आप पर काम करने के लिए या फिर बर्डन सम लोगों से दूर रहने के लिए अकेला रहना चाहता है, और ये कोई गाइडिंग लाइट को फॉलो कर रहा है, मतलब ये राइट डायरेक्शन की तरफ ही इज सीकिंग फॉर द राइट गाइडेंस। एंड इन फ्यूचर अगर ये इसी कंडीशन में रहा ना, राइट गाइडेंस को फॉलो करते रहा, तो ही विल बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड लाइक अ चाइल्ड, इनोसेंस। ये कार्ड है, इनोसेंस कार्ड है, मतलब दिस मैस्कुलिन विल बिकम इनोसेंट एंड हैप्पी लाइक अ चाइल्ड, इसके क्योंकि इसने खुद अपने लाइफ के बर्डन्स को निकाला है। तो बर्डन्स को निकालने की वजह से ही विल फील फ्री, लाइट, बर्डन फ्री एंड हैप्पी एंड इन अ गुड एनर्जीज, गुड एनर्जीज लाइक ये नेचुरल एनर्जीज, यानी ही विल टैप इन टू हिज नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज लव फ्रिक्वेंसी। सो ये जो मैस्कुलिन जो इतने दिनों से इसका हार्ट क्लोज है और ये अपनी इमोशंस को फील नहीं कर पा रहा है, ये इस तरह की एनर्जीज थी ना, उससे निकल के ये अपनी नेचुरल एनर्जीज, मतलब फीलिंग लव, फीलिंग कंपैशन, उस तरह की एनर्जीज को ये नियर फ्यूचर में फील करने वाला है अगर ये इस गाइडेंस को, इस गाइडिंग लाइट को फॉलो करता है। तो फेमिनाइन के लिए कार्ड आया कंप्लीशन कार्ड, क्योंकि फेमिनाइन ने अपनी एनर्जीज को मास्टर कर लिया है, फेमिनाइन ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, इसलिए फेमिनाइन इज फीलिंग कंप्लीट विद इन हर सेल्फ।
फेमिनाइन को किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की अब आवश्यकता नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। ये जो कंप्लीशन किया है ना फेमिनाइन ने अपने दम पर अपनी मेहनत पर किया है, और अब ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसको इसको ज़रूरत ही नहीं है जो इसको फील करने की, इसको किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की, किसी चीज़ की बाहरी आवश्यकता नहीं है कि जिससे इसको कंप्लीटनेस फील हो। शी इज़ फीलिंग कंप्लीट विद इन हर सेल्फ। और ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, अगर ऐसा कोई फैक्टर है जो कि इस कंप्लीटनेस को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो ये फेमिनिन उसको अपनी इस कंप्लीटनेस में एंटर नहीं होने देगी। उस कंप्लीटनेस, इस बने बनाए जो इसका कंप्लीट फेस है ना, इसको या इस कामनेस को या इस बैलेंस्ड सिचुएशन को कोई भी भारी स्थिति अब फिलहाल डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस फ्यूचर में भी ये फ्यूचर में ये होने वाला है, मतलब फ्यूचर में ये होगा कि या तो ये राइट ना हो चुका है या ये नियर फ्यूचर में होने वाला है कि ये फेमिनिन हर एक उस व्यक्ति को, मतलब अनवांटेड पीसेस इसकी लाइफ में जितने भी है ना उसको ये बाहर निकाल चुकी है, निकाल देगी, और आने वाले समय में भी किसी भी अनवांटेड एनर्जी को ये एंटरटेन नहीं करेगी। और ये फेमिनाइन अपने पास्ट से निकल चुकी है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मतलब ये फेमिनाइन इस गुड एनर्जी में जाने के बाद अपने पास्ट में से निकल चुकी है और गोइंग विद द फ्लो। शी हैज़ कम्प्लीटली सरेंडर हर सेल्फ टू द डिवाइन, और अभी फिलहाल शी इज़ इन सेल्फ लव मोड। दिस इज़ द कार्ड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वाटर का ये कार्ड है। एस ऑफ वाटर मतलब हैप्पी फुलफिल्ड न्यू बिगिनिंग फॉर सेल्फ, मतलब ये सेल्फ लव का कार्ड है। दिस फेमिनिन इज ऑपरेटिंग इन सेल्फ लव, शी इज़ कम्प्लीट विद इन एंड शी हैज़ सरेंडर्ड कम्प्लीटली टू द डिवाइन, सो शी इज़ इन अ वेरी हाई वाइब्रेशनल कंटेंटेड एनर्जी। और ये इसी एनर्जी में फ्यूचर में रहने वाली है। इन कार्ड्स के ऊपर और क्लैरिफिकेशन मैं लेती हूँ। ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो इस डिवाइन मैस्कुलिन की फेमिनिन ने या तो इस मैस्कुलिन को रिसेंटली कट ऑफ किया है, मतलब अपनी लाइफ में से इसको और ज़्यादा दूर हटाया है, और इसकी वजह है ये, यानी सेवन ऑफ पेंटिकल एनर्जी इज वेटिंग एनर्जी, बिकॉज दिस फेमिनिन डज नॉट वॉन्ट टू कीप हर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी। तो अपने आप को और ज़्यादा फ्री करने के लिए और अपने आप को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट करने के लिए इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने और ज़्यादा, मतलब कट ऑफ करने जैसा कोई एक्शन लिया है। और मैजिशियन मतलब कि ये मैस्कुलिन के लिए कार्ड है, क्योंकि मैस्कुलिन के लिए मैं बता देती हूँ पहले, मैस्कुलिन को भी अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिली, क्योंकि ब्रेक थ्रो कार्ड हमारे पास पहले भी आया था, तो मैस्कुलिन को भी अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिली है, तो ये क्लैरिटी का कार्ड है। समथिंग हैज़ बीन रिवील्ड टू दी मैस्कुलिन, और उसने भी अनवांटेड सिचुएशन को अपनी लाइफ से निकाला है, और ही इज़ ऑल्सो जो वो भी पहले वेटिंग मोड में था, द टू पीपल आर मिररिंग ईच अदर, तो वो भी अपने वेटिंग मोड से बाहर निकला है, और वेटिंग मोड से निकलने के बाद ही इज़ मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स फॉर हिज ओन लाइफ। तो मैजिशियन मोड का मतलब होता है कि वो अपने लिए अच्छी चीज़ें, अपने लिए अच्छी लाइफ को बिल्ड करने के लिए डिटरमाइंड हो चुका है। ये डिटरमिनेशन का भी कार्ड है। सो दिस मैस्कुलिन हैज डिटरमाइंड फॉर मैनिफेस्टिंग अ गुड लाइफ फॉर हिमसेल्फ। और ये फ्यूचर में आया है, मतलब ये फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये एनर्जीज प्रिवेल करेंगी। एंड ये कार्ड है न्यू बिगिनिंग, स्टेबल न्यू बिगिनिंग का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, माने दिस फेमिनिन हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू साइकिल ऑफ हर लाइफ। लास्ट जो साइकिल थी, लास्ट जो कार्मिक साइकिल थी, वो अब कम्प्लीटली खत्म हो चुकी इस एनर्जी के साथ में। मतलब जितना बचा खुचा उस पुरानी साइकिल का जो बचा हुआ जो भी बैकलॉग था, वो इस एनर्जी, इस फेमिनिन ने इस न्यू एनर्जी में बिल्कुल क्लियर किया है,
और पास्ट साइकिल को पूरी तरह से खत्म करने के बाद दिस फेमिनिन हैज एंटर इनटू अ वेरी न्यू साइकिल ऑफ हर लाइफ एंड ऑफ दिस जर्नी एंड दिस इज लाइक सेवन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी. सेवन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी इज हार्ड वर्क. सो और मीन्स जिसको बोलते हैं ना कि कोशिश करते रहना, लगातार कोशिश करते रहना. तो ये जो कार्ड है ना, ये न्यू बिगिनिंग क्या ये बता रहा है कि ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेगी अपनी तरफ से. ये न्यू साइकिल ये है. ऑल एफर्ट शी कैन मेक शी विल मेक. और यहाँ पर हीलिंग है. स्टार इज लाइक हीलिंग कार्ड. तो ये फेमिनिन अपनी जो और बची हुई हीलिंग है वो ये इस हीलिंग को कंप्लीट करेगी इस न्यू साइकिल में. इस न्यू साइकिल में ये इस फीमेल फिगर यानी इस फेमिनिन का पूरा ध्यान अपनी सेल्फ हीलिंग पर रहेगा और सेल्फ लव पर रहेगा. और जो भी मिशन वर्क ये कर रही है ये कंप्लीटली शी विल बी एंगेजिंग हर सेल्फ इन दिस मिशन वर्क एंड शी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर सेल्फ हीलिंग. सो दीज फ्यूचर एनर्जीज आर वेरी गुड. अभी हम फ्यूचर कनेक्शन एनर्जीज ले लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप दिस रीडिंग. वेयर द कनेक्शन विल गो इन नियर फ्यूचर. वेयर द कनेक्शन विल गो इन नियर फ्यूचर. ये सौरव वाली जो साइकिल है, क्योंकि सौरव कार्ड यहाँ पर आया है, मतलब ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स टाइप ऑफ जो एनर्जी थी ये तो इनकी प्रीवियस साइकिल थी. इसके दोनों साइड पर जो कार्ड आए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए, मतलब ये दिस वाज द रीसेंट पास्ट. ये साइकिल तो अभी ख़त्म होगी कनेक्शन की. और ये जो थोड़ी बहुत इसकी रिमेनिंग एनर्जीज हैं वो एनर्जीज कुछ समय में बैलेंस होने वाली हैं. ये इंटीग्रेशन कार्ड आया है, मतलब ये एनर्जी बैलेंस का कार्ड आया है. डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हीलिंग, क्योंकि ये जो फेमिनिन है ये अपने ऊपर और हीलिंग वर्क करने वाली है. इन नियर फ्यूचर शी इज गोइंग टू हील हरसेल्फ एंड शी इज गोइंग टू इन दिस न्यू साइकिल शी इज गोइंग टू हील हरसेल्फ. और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन है. तो इन नियर फ्यूचर both of them will integrate their masculine and feminine energies, both will balance their feminine and masculine energies and both will come in balance within and both will have some kind of enlightenment or some kind of awakening in this new cycle, in this new phase. And here is the lovers card, here is the choice. ये कार्ड ये बता रहा है, चॉइस कार्ड है ये, मतलब कि इन द कनेक्शन दिस कार्ड इज शोइंग दैट बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हैज चूजन नाउ दैट दे विल कम आउट फ्रॉम दिस साइकिल फ्रॉम दिस सोरो साइकिल एंड दे विल हील देमसेल्व्स एंड दे विल बिकम होल विद इन. दे विल इंटीग्रेट देयर ओन एनर्जीज सो दैट सम पॉजिटिव चेंजेस can be experienced in future. Let's see more. Wow. ये वही कार्ड है. ये जो है ना, ये दोनों कार्ड जिस पोजीशन में आए हैं, मतलब ये बिफोर यानी ये लास्ट पास्ट एनर्जीज है. दिस वाज पास्ट एनर्जी एंड दिस इज पास्ट एनर्जी. इन द पास्ट देवर इन सैडनेस और सोरो एंड देवर इन स्टेलमेट एंड इन डिसीजन काइंड ऑफ एन अनअवेकन काइंड ऑफ थिंग. दिस इज मेजरली फॉर द मैस्कुलिन एंड they have in the near future they will come into their emperor power. Emperor power is means in their confidence, in their self healing and all that kind of good energy, strong energy, strength. And when they will
एंड एज दे हैव डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दिस स्टेलमेट, जो हमने पुराने कार्ड्स में भी देखा, दे हैव डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दिस स्टेलमेट, दे हैव टू डिसाइडेड दैट दे विल एंटर इन टू देयर स्ट्रेंथ एंड दे विल ऑपरेट इन कॉन्फिडेंस एंड दे विल डू समथिंग गुड फॉर देम, देन देर इज सनशाइन इन द कनेक्शन. दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड एज यू नो. This is the most positive, most abundant, most prosperous, more happy card. So if this kind of energy work and this kind of things will happen in this connection, then there are chances that this connection will re-shine again. क्योंकि अभी फिलहाल तो ये connection जो है कट ऑफ है और दोनों masculine feminine अपनी अपनी journey पर है, individual journey पर है. पर अगर ये इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे तो दे कैन हैव अ रीशाइन ऑफ सन इन दिस कनेक्शन एंड इन देयर लाइफ्स. सो थैंक यू फॉर दिस रीडिंग. आई होप इट विल रेजोनेट विद द पीपल वॉचिंग दिस. थैंक यू वेरी मच. आई विल बी बैक सून. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.